दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? अच्छा मस्जिद चलें, फल का ही बता दें। हो सकता है कि आपको इनके सवालात के जवाबात मालूम हो और ये भी मुमकिन है कि ना हो, मगर दुनिया में ऐसी चीजों की कमी नहीं जो हमारे अंदाजों से ज्यादा बड़ी होती हैं। तो हमारी दुनिया में ऐसी चीजों की कमी नहीं जो अपने हजम के लिहाज से सबसे बड़ी कहलाई जा सकती हैं, और इनमें से चंद की तफसीलात और तस्वीर आपको यकीनन हैरान कर देंगी। चलें फिर शुरू करते हैं। सोन डोंग केव। वियतनाम में वाकई गारें 1991 में एक मकामी शख्स ने दरियाफ्त की थी, और ये दुनिया का सबसे बड़ा गारों का सिलसिला करार दिया जाता है, जिसके अंदर एक बड़ा दरिया बहता है, जबकि इसकी गहराई 490 फीट और लंबाई 30,000 फीट है, जबकि इसके अंदर हवाएं भरपूर रफ्तार से चलती हैं, और ऐसा लगता है जैसे हर वक्त आंधी सी आई हुई है। ताम इसकी खूबसूरती देखने वालों को जरूर दंग करके रख देती है। दुबई मॉल। ये दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा खरीदारी का मरकज है, जो मजमूई तौर पर 13 मिलियन स्क्वायर फुट तक फैला हुआ है, और इसके अंदर 1200 रिटेल शॉप्स मौजूद हैं। इसमें बर्फ में स्केटिंग के लिए एक हिस्सा भी मखसूस है। ज़रियाफ चिड़ियाघर, एक बड़ी आबशार और मछली घर वगैरह भी इसका हिस्सा है। इसके ऊपरी हिस्से में 22 सिनेमा, एक लग्जरी होटल और 100 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स और कैफे वगैरह भी मौजूद हैं। एलिफेंट। हाथी खुश्की पर पाई जाने वाले सबसे बड़े जिंदा जानवर का एजाज अपने नाम रखते हैं। इनकी लंबाई 10 से 13 फुट और वजन 15,000 पाउंड तक हो सकता है। इसकी हड्डियां और जिस्मानी हिस्से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, और हर एक का काम मुनफरिद होता है, जो इस बड़े जानवर को जिंदा रहने और रोजमर्रा के काम में मदद फराहम करते हैं। इसके बड़े कान इसके सुनने के हिस्से को जबरदस्त बना देते हैं, जबकि इसकी सूंड 5 मुख्तलिफ कामों में मददगार साबित होती है, जिनमें सांस लेना, बोलना, सूंघना, छूना और चीजों को पकड़ना वगैरह। जैक फ्रूट। आप इस अजीब शक्ल के फल को जनूबी मशरकी और जनूबी एशिया में दरियाफ्त कर सकते हैं, और यह दुनिया में किसी दर पर उगने वाला सबसे बड़ा फल करार दिया जाता है। इसके अलावा ये बांग्लादेश का कौमी फल भी है, और ये जिस्म के लिए सेहतमंद फाइबर के हुसूल का बेहतरीन जरिया भी है। मस्जिद अल हराम। मक्का मुकर्रमा में वाक़ मस्जिद अल हराम दुनिया के सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसे इस्लामी दुनिया के मुकद्दस तरीन मकाम का दर्जा भी हासिल है। ये मस्जिद 88 एकड़ तक फैली हुई है, इसमें मजीद तोसी भी होती रहती है, जबकि यहाँ हर साल हज का इनेकाद भी होता है, जो दुनिया में लोगों की तादाद के हवाले से सबसे बड़ा इज्तमा भी है। ग्रेट बैरियर रीफ। दुनिया में मोंगों की सबसे बड़ी चट्टान, जो 1,33,000 स्क्वायर मील पर फैली हुई है, तवील अरसे से सियाहों की तवज्जो का मरकज है, मगर माहौलियाती चैनल चैलेंजेस के बायस इस मकाम को नुकसान पहुंच रहा है, जबकि समुद्री दर्जा हरारत में इजाफे और आलोदगी के बायस आइंदा 100 बरसों में इस कुदरती अजूबे के तबाह होने का खदशा है, जबकि कुछ माहरीन तो इससे भी बढ़कर खदशा जाहिर करते हैं कि 2030 तक ये मकाम मुकम्मल तौर पर गायब हो जाएगा। ग्रीन लैंड। दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा ग्रीनलैंड कहलाता है, और ये दुनिया में सबसे कम आबादी रखने वाला मुल्क भी करार दिया जाता है। इस जजीरे या मुल्क का बड़ा हिस्सा बर्फ से ढका रहता है, और इसको ग्रीनलैंड का नाम यहाँ आने वाले अव्वलीन स्कैंडिनेवियन रिहायशों ने दिया था। स्लॉड यूनिसॉल्ट। 4,000 स्क्वायर मील से ज्यादा इलाके पर फैला स्लॉड यूनिसॉल्ट दुनिया में नमक का सबसे बड़ा मैदान है। बोलीविया के इस मकाम पर पहुंचकर इंसान को लगता है कि जमीन और आसमान एक दूसरे से मिल रहे हैं, और ये नजारा हवास पर जादू सा कर देता है। कहा जाता है कि जो शख्स एक बार यहाँ घूम ले, वो इस जगह को कभी भूल नहीं पाता। खासतौर पर बादलों आसमानों को अपने सर के ऊपर देखने के साथ साथ पैरों के नीचे देखना जिंदगी का सबसे हैरत अंगेज तजर्बा साबित होता है, और दुनिया सही मानों में उलट पुलट नजर आती है। सेक्यूवियर ट्री। सेक्यूवियर न सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े दरख्त हैं, बल्कि हजम के लिहाज से इस सियारे में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जिंदा जानदार का दर्जा भी रखते हैं। औसतन इन दरख्तों की लंबाई 160 से 275 फीट तक हो सकती है, और इनकी चौड़ाई 20 से 26 फीट होती है। इन दरख्तों में 3,500 साल पुराना दरख्त भी मौजूद है, और यहाँ के दरख्तों की उम्र का तायुन इनकी छाल पर बने दायरों से होता है। ब्लू वेल। अगर आपको हकीकी जिंदगी में कभी किसी नीली वेल को देखने का मौका मिला हो, तो दर हकीकत आपने समुद्री दुनिया के सबसे बड़े जानदार को देखने तजर्बा किया होता है, बल्कि जानवरों में सबसे बड़ा भी करार दिया जा सकता है, जिसका वजन का मुकाबला भी कोई नहीं कर सकता। समुद्रों में इनके बेपनाह शिकार ने उन्हें खात्मे के करीब पहुँचा दिया था, जिसके बाद 60 की दहाई में उनके शिकार पर पाबंदी आयद कर दी गई। अब एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर के समुद्रों में इनकी तादाद 5,000 से 12,000 तक है। मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा।